नमस्कार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। उत्तर प्रदेश में लीकेज परीक्षा पर बड़ी चर्चा होती रही। पिछली सरकार में भी योगी आदित्यनाथ पार्ट वन में भी कई परीक्षा पत्र लीक हुए। आज पहला दिन नहीं था, कल संस्कृत का हाईस्कूल का पेपर भी लीक हो चुका था। उस पर ज्यादा हाय तौबा नहीं हुई, उस पर हाय तौबा हुई होती तो आज अंग्रेजी का पेपर लीक नहीं होता। हालांकि एक बड़ी खबर आपको बता दें कि बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए, वहीं एक वरिष्ठ पत्रकार भी गिरफ्तार किए गए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी ने कहा है कि मैं मुख्यमंत्री के पल पल पर संपर्क में हूं और इसमें जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। स्कूल के प्रधानाचार्य के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज हुई है, कुछ ही देर में उम्मीद है कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन क्या उन्हीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिनका अधिकारियों में इतना खौफ हो, उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं के अनुगामी अधिकारी और उन्हीं का खौफ न मानकर पेपर आउट कर देते हैं? यह सवाल है। क्या बुलडोजर बाबा का खौफ निकल गया था डीआईएस के मन से? बलिया जिला विद्यालय निरीक्षक जिनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई, उन्हें पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। आज की इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा 2 बजे होनी थी आज, उससे पहले दोपहर 2 बजे की पाली से पहले पेपर रद्द करना पड़ा, परीक्षा रद्द करनी पड़ी। पेपर लीक के चलते 24 जिलों में दोपहर 2 बजे की परीक्षा रद्द कर दी गई। प्रदेश के बाकी जिलों में 51 जिलों में परीक्षा विधिवत संपन्न हुई। रद्द करने का कारण यह था, जिस सीरीज 316 ई डी एंड 316 ई वन दो सीरीज के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद यह फैसला किया गया कि इन दोनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा रद्द कर दी जाए। हालांकि इसकी परीक्षा